और अभी जो आपके अंदर डर है कि हम भी कभी सिविल इंजीनियर बन पाएंगे, जबकि आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, लेकिन आप अभी भी अपने आप को सिविल इंजीनियर नहीं मानते क्योंकि हमारे अंदर स्किल्स ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप भी इस विश्वास को खो चुके हैं। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी इंजीनियर्स? मैं कॉरपोरेट ट्रेनर मनोज उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका सिविल गुरु जी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो इंजीनियर्स, आज हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारी क्लासेस रन होती है और क्या हम 2 महीने में आपको सिखाते हैं। तो बात करेंगे डिटेल में और बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में, और आपको काफ़ी सारी जानकारी इस वीडियो से मिलेगी, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इंजीनियर से जैसा कि आप जानते हैं कि स्किल्स होना हर एक जॉब में ज़रूरी है, और बात करें हमारे सिविल इंडस्ट्री में तो इसमें तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना स्किल्स के सिविल इंजीनियर्स का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो इसीलिए जो सिविल इंजीनियरिंग में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें जो स्किल्स मांगी जाती है, जो स्किल्स वहाँ चाहिए होती है, उसको सिविल गुरुजी आपको सिखाता है। तो वो क्या स्किल्स हैं बात करेंगे हम डिटेल में। जैसा कि हमारी 2 महीने की ट्रेनिंग होती है ऑफलाइन ट्रेनिंग, जिसमें कि हम अपने इंजीनियर्स को कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस सिखाते हैं। इस ट्रेनिंग को करने के बाद इंजीनियर्स अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और जो स्किल्स की ज़रूरत रहती है मार्केट में और इंडस्ट्री में ज़रूरत रहती है उसको हम लोग आपको सिखाते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग शुरू होती है वो होती है हमारी एस्टिमेशन से। एस्टिमेशन में हम लोग आपको कंप्लीट एक बिल्डिंग का एस्टिमेशन निकालना सिखाते हैं और साथ में उसका BOQ निकालना। तो बात करेंगे एस्टिमेशन से, तो एस्टिमेशन से हमारी क्वांटिटी निकलती है, कितना हमको वर्क करना है। जब हमारी क्वांटिटी निकल जाती है तो हम चले जाते हैं DSR डेली शेड्यूल ऑफ रेट में, जिसमें कि हर काम को करने का रेट दिया गया। जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं और उनका रेट्स दिया रह गया कि इसमें जो वहाँ के आइटम्स हैं उनका जो रेट है वो दिया रहता है। तो वैसे ही जो हमारी DSR बुक है उसमें कम्प्लीटली जो सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो वर्क होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, उनका रेट दिया गया है। तो जैसे कि अगर हम बात करें अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, तो जैसे 1 m³ कंक्रीट वर्क करने का कितना रेट है वो DSR ने अपनी बुक में दिया है। तो हम एस्टिमेशन से अपनी पहले क्वांटिटी निकाल लेते हैं और फिर हम चले जाते हैं DSR में, तो वहाँ से हम रेट लेके दोनों को गुणा कर देते हैं तो हमारा अमाउंट निकल जाता है कि कितना अमाउंट इस बिल्डिंग को बनाने में लग रहा है, फिर चाहे उसमें कोई सा भी काम। तो ऐसे करके हमारा BOQ निकलता है, बिल ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद हम अपने इंजीनियर्स को सर्वेइंग वर्क सिखाते हैं। तो सर्वेइंग वर्क में इंजीनियर्स ऑटो लेवल को सेट करना, ऑटो लेवल से रीडिंग पढ़ना, इससे रिलेटेड वीडियोस काफ़ी हमारे चैनल में पहले से ही हैं और आप इनको भी विजिट कर सकते हैं। और सर्वेइंग वर्क में हम आपको प्रोफाइल लेवलिंग कैसे परफॉर्म होती है और रोड के बारे में आपको कम्प्लीटली उसकी ड्राइंग पढ़ना, प्लान एंड प्रोफाइल ड्राइंग, और TCS ड्राइंग टिपिकल क्रॉस सेक्शन ड्राइंग आप कैसे रीड आउट करेंगे, इसके बारे में कम्प्लीटली आपको जानकारी इस 2 महीने की ट्रेनिंग में दी जाती है। उसके बाद जो हमारा रिजिड पेमेंट होता है और फ्लेक्सिबल पेमेंट है, तो दोनों को जो अभी मार्केट में चल रहा है यानी कि जो अभी जो रोड्स बन रही हैं उसी पैटर्न के आधार पर आपको बताया जाता है। और अभी तक हम जो BTEC और अपने डिप्लोमा में पढ़ते हुए आए हैं तो उसमें हम जो अभी भी जो पुरानी चीज़ें जो 1990-95 के आसपास की चल रही हैं उन्हीं को पढ़ते हुए आ रहे हैं, जबकि अगर बात की जाए मार्केट में अभी क्या चल रहा है उसको हम नहीं सीख पाते हैं। लेकिन सिविल गुरुजी में आके इस 2 महीने की ट्रेनिंग को करके आप इन चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं कि कैसे आपने रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क करवाना है एज पर MoRTH एंड IRC। उसके बाद हम अपने इंजीनियर्स को क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस करना सिखाते हैं। तो क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्वांटिटी सर्वे में हम क्वांटिटी निकालते हैं कि उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमको कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत रहेगी, और रेट एनालिसिस में हम रुपये की बात करते हैं, उस क्वांटिटी को खरीदने में और उस क्वांटिटी से कंस्ट्रक्शन करवाने में हमको कितना रुपया लगेगा, तो वो हम बात करते हैं रेट एनालिसिस में। तो जैसे कि हमने एस्टिमेशन में जो DSR का रेट लिया रहता है तो उसमें उन्होंने जो भी कैलकुलेशन करके वो रेट निकाला है वो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से निकाला है। लेकिन अगर हम जहाँ भी हैं तो अगर हमको अपना खुद का प्रोजेक्ट सॉल्व करना है या खुद का कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है या किसी प्राइवेट काम को करवाना है तो उस वक्त हम जो रेट्स लेंगे वो उस सिटी के हिसाब से लेंगे, और जो लेबर की जो एफिशिएंसी है वो भी हम उस सिटी, उस डिस्ट्रिक्ट या फिर उस स्टेट के हिसाब से लेंगे। ऐसे करके हमारा जो रेट है वो चेंजेस हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हमको खुद का काम खोलना है और या फिर आपको किसी कंपनी में क्वांटिटी सर्वेयर की जॉब करनी है तो आपको ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में आप देख रहे हैं कि जो प्लाई फॉर्मवर्क है और MS फॉर्मवर्क है दोनों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, तो उनके क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे उनको निकालते हैं, ये सब डिटेल में हम आपको अपनी इस 2 महीने की ट्रेनिंग में सिखाते हैं। उसके बाद आप सीखते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल, जो कि एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी होता है BBS। तो बार बेंडिंग शेड्यूल में हम कम्प्लीटली स्लैब, फुटिंग, कॉलम, फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, स्टेयरकेस, सभी चीज़ों का, जितने भी RCC मेंबर रहते हैं उनका हम
बीबीएस निकालना आपको सिखाते हैं। बीबीएस में मेनली कटिंग लेंथ निकालना, कहाँ हमको लैप देना है, कहाँ डेंजर जोन है, कहाँ सेफ जोन है, इसकी जानकारी होना जरूरी है, तभी जाके हम उसका बीबीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट में चलते हैं बिलिंग वर्क, मतलब जब हम सब चीज़ें सीख जाते हैं उसके बाद हम जो बिलिंग वर्क है वो एक प्रोसेस होती है इन सभी से गुजरने के लिए। बिलिंग वर्क जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारी ये सभी चीज़ें जो आपको अभी पहले सिखाई गई है वो सब चीज़ें यूज में आती है। तो अगर आप बिलिंग वाली चीज़ें सीखते हैं तो बिलिंग करके आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप गवर्नमेंट बिलिंग कर सकते हैं, और अगर बात करें प्राइवेट की तो आप प्राइवेट बिलिंग भी कर सकते हैं। बिलिंग में हम आपको कम्प्लीटली जो फॉर्मेट्स रहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, साइट के जो फॉर्मेट रहते हैं, कुछ ऑफिस के फॉर्मेट रहते हैं, तो उनमें कैसे आपने उनको फिल आउट करना है, कैसे उनको बनाना है, और इन केस आपको कुछ न्यू भी ज़रूरत पड़ती है तो हम आपका माइंडसेट ऐसे रेडी कर देते हैं कि आप अपने खुद से भी नए फॉर्मेट बना सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद हम सीखते हैं डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें कैसे बनानी है, कैसे उसको हमने अपने जूनियर से लेकर अपने सीनियर को भेजना है। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ होता है, टेंडरिंग एक प्रोसेस है जिसको कि कैसे अचीव किया जाता है, कौन सी उसकी वेबसाइट है जहाँ से हम इस टाइप के टेंडर ले सकते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं और जो हमारे करियर के ग्रोथ में हमें हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको सिखाते हैं रिकंसिलेशन बिल बनाना, जिसमें कि हम वेस्टेज की बात करते हैं और मटेरियल कितना कितना हमारा लग रहा है उसको हम आसानी से निकाल लेते हैं। और लास्ट में जब आपके ये सब कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग आपको कैसे आपने रिज्यूम बनाना है, कैसे उसको पोस्ट करना है, कैसे आपने कंपनी में बात करनी है, किस अच्छे तरीके से आप जल्दी से जल्दी जॉब ले सकते हैं। और अभी जो आपके अंदर डर है कि हम भी कभी सिविल इंजीनियर बन पाएंगे, जबकि आपके पास डिग्री डिप्लोमा है लेकिन आप अभी भी अपने आप को सिविल इंजीनियर नहीं मानते क्योंकि हमारे अंदर स्किल्स ही नहीं है, तो इसीलिए अगर आप भी इस विश्वास को खो चुके तो आप हमसे 10 मिनट की काउंसलिंग के लिए हमारे ऑफिशियल नंबर 9111001234 इस नंबर पर आप हमको कॉल कर सकते हैं। तो हम आपको डिटेल में आपसे बात करेंगे कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में डिटेल में आपसे काउंसलिंग की जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।